हेलो एवरीवन, आई एम शुभम एंड वेलकम टू माय चैनल रॉयल शुभम टेक्निक। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि काइन मास्टर से हम बहुत ही कम एमबी में एक बेस्ट क्वालिटी का वीडियो एक्सपर्ट कैसे कर सकते हैं। तो गाइज, चलते हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे और जानते हैं कि काइन मास्टर से जब हम वीडियो एडिटिंग करने के बाद जब वीडियो एक्सपर्ट करते हैं तो बहुत ही कम एमबी में एक बेस्ट क्वालिटी का वीडियो एक्सपर्ट कैसे कर सकते हैं। तो गाइज, चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। मोबाइल स्क्रीन में जाने से पहले गाइज, आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइज, आ गए हम लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। मोबाइल स्क्रीन में आने के बाद सबसे पहले आपको काइन मास्टर ओपन करना है। काइन मास्टर ओपन करने के बाद आपको जाना है प्लस के आइकन पे। यहाँ पर 16:9 का रेशियो लेना है। इसके बाद से आपने जो भी वीडियो क्रिएट करके रखा है उसको आपको ले लेना है अपने फाइल से। जैसे मैं आपको एक वीडियो लेके दिखाता हूँ, जैसे मैंने एक वीडियो ले लिया। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट करके रखा हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए बता देता हूँ। जैसे ये देखिए, ये मेरा वीडियो जो है टोटल आपको 11.5 मिनट का वीडियो है। और ये वीडियो जो है, अगर मैं इस वीडियो को एक्सपोर्ट करता हूँ तो ये देखिए, अगर मैं इस वीडियो को HD में एक्सपोर्ट करता हूँ तो ये वीडियो हमारा दिखा रहा है 398 MB का। और अगर मैं इसका फुल HD में अगर इसको एक्सपोर्ट करता हूँ तो ये वीडियो दिखाता है 895 MB का। तो गाइज, आपको सबसे पहले आपके मोबाइल में ये देखिए, जब आप एक्सपोर्ट एंड शेयर के ऑप्शन पे आइएगा तो यहाँ रिजोल्यूशन दे रहा है। रिजोल्यूशन में आपको दे रहा है 360p HD HD और फुल HD। सेकंड में आपको दे रहा है फ्रेम रेट। ये फ्रेम रेट आप घटा बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद से लास्ट में आता है बिट रेट। तो गाइज, अगर आपके मोबाइल में सिर्फ HD सपोर्ट कर रहा है, फुल HD सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आपको बैक में जाना है। बैक में जाने के बाद यहाँ आपको देखिए सेटिंग का ऑप्शन दे रहा है। सेटिंग के ऑप्शन के बाद यहाँ आपको जाना है डिवाइस कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन में, और यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। रन एनालिसिस नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद से आपके मोबाइल में ऑप्शन देगा फुल HD सपोर्ट करने का, तो आप उसका फुल HD को क्लिक करके उसको सेव कर लीजिएगा। इसके बाद से फिर से हम लोग बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ चलते हैं फिर से हम अपने फाइल में। जैसे ये रहा हमारा फाइल, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को एक्सपोर्ट करने से पहले आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, आपको अपने YouTube के लिए अगर वीडियो एक्सपोर्ट करना है तो सबसे बेस्ट फ्रेम रेट है जो रेजोल्यूशन है, इसको आप पहले सबसे पहले फुल HD कर लीजिएगा। फुल HD करने के बाद आप आ जाइएगा फ्रेम रेट पे, और हमें 60 फ्रेम रेट नहीं रखना है, हमें सिर्फ 30 फ्रेम रेट रखना है। 30 फ्रेम रेट रखने के बाद यहाँ देखिए, आपका बिट रेट ऑटोमेटिक 10.31 MBPS हो गया। तो आप इसे हल्का सा और बढ़ा लीजिएगा, ऐसे 10.31 MBPS पे कीजिएगा तो वीडियो बहुत ही अच्छा एक्सपोर्ट होगा। लेकिन और थोड़ा सा आप इसको बढ़ा के इसको लगभग 11 MBPS पे कर दीजिएगा। 11 MBPS पे करने के बाद यहाँ देखिए, आपका वीडियो टोटल 957 MB का हो गया। आपका वीडियो था लगभग 12 मिनट का, और आपका वीडियो हुआ 957 MB का। इसके बाद से आप इस वीडियो को एक्सपोर्ट कीजिएगा तो ये वीडियो आपका बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का वीडियो एक्सपोर्ट होगा, जिसको आप YouTube पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट में लगा देता हूँ, यहाँ से हमारा वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, और ये वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद हमारा गैलरी में जाके ये वीडियो सेव हो जाएगा। तो गाइज, मिलते हैं हम फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।